नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री विद्या चैनल, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। समय है लैंग्वेज संस्कृत से कुछ सीखने का, कुछ जानने का, और बहुत ही दिलचस्प चीज़ सामने आई है। दिलचस्प इसलिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जब एक सारांश को, एक वाक्यांश को हम पढ़ते हैं, गद्यांश को पढ़ते हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें बीच में एक वाक्यांश की दी हुई रहती हैं जो एक अर्थ को दूसरे से कनेक्ट करती हैं, और उसको समझना बहुत ही आवश्यक है, जिसको हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, सूक्ति मौक्तिकम। ये है टॉपिक का नाम, यानी आज हम सूक्ति के बारे में जानने वाले हैं, इसका क्या अर्थ है, क्या इसके महत्व, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। इस नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अगर आपके कोई भी प्रश्न है, कोई क्वेरी है, आप मेल कर सकते हैं dts.class9@cit.nic.in पर। यहाँ पर भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। चैनल नंबर 9 PME विद्या का जो है, इस प्रोग्राम को आप लाइव वहाँ पर देख सकते हैं, और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी इस प्रोग्राम की लाइव कवरेज आप देख सकते हैं। समय हमारे पास बहुत कम है, सीधी सीधी आपको ले चलता हूँ आज के हमारे एक्सपर्ट जो कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी, जो कि CIET NCERT में कार्यरत हैं। बहुत धन्यवाद। और चलिए शुरू करते हैं। तो सूक्ति मौक्तिकम, बेसिकली जो अर्थ मैं लगा पा रहा हूँ एक विद्यार्थी होने के नाते, वो यही है कि आज हम सूक्तियों की बात करने वाले हैं। तो मुख्यतः सूक्ति क्या है, उसके मायने क्या, उसका अर्थ क्या है, और वाक्यांश में जो उसका जो प्रयोग होता है, उसके महत्व को भी हम समझ लेते हैं। जी, सूक्ति शब्द का अर्थ अगर देखें, विग्रह करते हुए इसका अर्थ अगर हम देखेंगे, तो सुंदर उक्ति, हिंदी में इसको सीधे से कह सकते हैं, सुष्टु उक्ति ही सूक्ति ही, अथवा सुष्टु उक्तयः सूक्तयः, इस प्रकार से कह सकते हैं। और सुंदर जो वचन होते हैं, जो जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाले होते हैं, या आचार्यों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा, जो विद्वान लोग हैं, उन विद्वानों ने जीवन में जो अनुभव किया है, अपने जीवन के रहस्यों का जो सार तत्व होता है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम बहुत सारी चीज़ें उनके अनुभवों को ले करके अपने जीवन में उतारते हैं, सीखते हैं जी। नहीं तो कहते हैं गलतियां करते करते व्यक्ति बूढ़ा हो जाए, लेकिन वो समाप्त नहीं होती हैं, और बार बार गलती करके सीखने से अच्छा है कि हम पढ़ लिख करके और दूसरों की गलतियों से सीखें, तो शायद और उन्नत हो सकते हैं। इसी दृष्टि से ये सुंदर वचन कहे जाते हैं कि इस प्रकार का कार्य करें और इस प्रकार का कार्य हम ना करें। तो इसके लिए सूक्तियों का एक बहुत बड़ा विशाल भंडार है, जो कि महाभारत, रामायण, सुभाषित भंडागार या जितने भी संस्कृत के ग्रंथ हैं, उनमें कहीं ना कहीं पात्रों के द्वारा किसी सूक्ति का या ऐसा तत्व, सार्वभौमिक तत्व, आप देखते होंगे कुछ समकालिक तत्व होते हैं जो वर्तमान समय में लागू हो रहे हैं, भविष्य में लागू नहीं होंगे। जैसे कोरोना है, अभी आया है, कुछ समय के लिए रहेगा, फिर चला जाएगा, समाप्त होगा, तो ये समकालिक है। लेकिन कुछ सार्वभौमिक तत्व होते हैं जो सृष्टि के समानांतर चलते जाते हैं और संपूर्ण जीवन पर्यंत वो होते रहते हैं। ऐसे सार्वभौमिक तत्वों को सूक्तियों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो सबके जीवन पर लागू होते हैं, जीवन सिद्धांतों को और महत्वपूर्ण और मूल्यवर्धक बनाते हैं। तो ऐसे हम सूक्तियों के संग्रह को आज पढ़ेंगे, जो सूक्ति मौक्तिकम इस पाठ में विद्यमान है। सूक्ति मौक्तिकम इस नाम से विद्यमान है, इसका अर्थ यदि मौक्तिकम जोड़ने के बाद हम देखें, तो सूक्तियों की मुक्ता या सूक्तियों की मोतियां, ये अर्थ होगा कि सूक्तियों का जो सूक्ति रूपी मोतियों का जो समूह है, वो सूक्ति मौक्तिकम कहा जाएगा, ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। पाठ्यांश को हम देखते हैं, तो इस पाठ्यांश में ये बात कही गई है कि यह पाठ जीवनदायक तत्वों को बताने वाला है। यह पाठ विविध ग्रंथों से लिया गया है, तत्र संग्रहणम कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। अत्र सदाचरणस्य महिमा, अच्छे आचरण का क्या महत्व है, प्रियवाण्या आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता क्या है हमें, परोपकारियों का स्वभाव कैसा होता है, गुण अर्जन की प्रेरणा अर्थात हम गुणवान बने, इसके लिए बहुत सारे तत्व हम अभी पढ़ने वाले हैं इस पाठ्यांश के माध्यम से। इसमें पहला श्लोक ये हम देख रहे हैं, वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति चयाति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। ये मनुस्मृति का श्लोक है,
यहाँ मनुस्मृति लिखा हम देख रहे हैं। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च। अब हम इसके अर्थ को देखते हैं। वृत्तम, वृत्तम अर्थात चरित्रम, आचरण। वृत्त का अर्थ होता है आचरण। यत्नेन संरक्षेत, यत्न पूर्वक संरक्षित करना चाहिए, अर्थात हर व्यक्ति को अपने चरित्र को यत्न पूर्वक संरक्षित करना चाहिए जी। वित्तम एति च याति च, जो वित्त होता है, वित्त का अर्थ होता है धन जी। वित्त का अर्थ धन और वृत्त का अर्थ चरित्र। तो जो वित्त है वो याति, आता जाता रहता है जी। चरित्र बार बार आता बार जाता नहीं। अगर एक बार अच्छा उठ गया तो उन्नत, और गिर गया तो फिर वो अवन्नत हो जाता है। इसलिए चरित्र बार बार नहीं बदलता, लेकिन धन कभी ज्यादा कभी कम जीवन में होता रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को वित्त की अपेक्षा वृत्त पर महत्व देना चाहिए, आचरण और चरित्र पर महत्व देना चाहिए कि वह हमारा सर्वदा उन्नत ही रहे, कभी अवन्नत ना होने पाए। जिस प्रकार धन के लिए हम निरंतर प्रयासशील रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि अधिक से अधिक पैसा कमाएं, वैसे ही उत्तम चरित्र हम सदा सर्वदा प्राप्त करते रहें, इसके लिए भी प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगली लाइन जो कही गई थी उसमें अक्षीण वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वित्ततः क्षीण अक्षीण, अर्थात जो वित्त से रहित है, जो धन से रहित है, या जिसके पास धन कम है, जिसका धन नष्ट हो गया, तो उसका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं गया, 1-2 लाख रुपए हानि हुई, कुछ समय में उसे पूर्ति की जा सकती है। लेकिन वृत्ततः तु हतो हतः, अगर एक बार वृत्त समाप्त हुआ, चरित्र समाप्त हुआ, तो हतः हतः अर्थात वो मृत हो जाता है, वो जीवन में पुनः उस चेहरे को दिखाने में असमर्थ हो जाता है जो उसका पूर्व का स्वरूप होता है। इसलिए मनुस्मृति में आचार्य मनु कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी को अपने चरित्र की सदा सर्वदा रक्षा करना चाहिए। हम ऐसा आचरण करें जो आदर्श बने, न कि वह पतन का कारण बने। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य मनु हमें चरित्र को श्रेष्ठ बनाने की शिक्षा देते हैं, और धन को अत्यधिक ना महत्व दें ऐसा भी इससे द्योतित होता है। महत्व तो दें, लेकिन चरित्र की अपेक्षा धन का महत्व न्यून है, यह द्योतित करते हैं। अगले श्लोक में हम देखते हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत। अब इस श्लोक में धर्म का सार, ये विदुर नीति श्लोक देख रहे हैं। विदुर नीति एक पुस्तक है, विदुर का नाम सब जानते हैं, महाभारत के एक अच्छे राजनीतिविद हैं, इन्हीं की नीतियों पर धृतराष्ट्र की राज्यसभा चला करती थी। इन्होंने विदुर नीति नामक ग्रंथ लिखा है, उसमें ये कह रहे हैं श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, धर्म का जो सार है, मैं मतलब बहुत धर्म के विश्लेषण को नहीं कर रहा यहां पर, केवल धर्म के संपूर्ण सार को बता रहा हूं। क्या है? कहा श्रुत्वा चैवावधार्यताम, केवल सुनना नहीं है, श्रुत्वा सुन करके, चैव अवधार्यताम उसे धारण भी करना है। श्रुत्वा च अवधार्यताम, उसे सुने और सुनकर अपने जीवन में धारण भी करें जी। क्या कहा? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशाम न समाचरेत। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो हमें अच्छा नहीं लगता, जो हमें प्रतिकूल लगता है, प्रतिकूल का तात्पर्य है बुरा लगना, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे हम गर्मी में बहुत समय तक बैठ के काम नहीं कर सकते, धूप में बहुत समय नहीं रह सकते, तो इस प्रकार का जो भी, अगर हम अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ अवस्था में कार्य नहीं कर सकते, निद्रा अवस्था में हैं, या ऐसे वचन जो हमें खुद को कोई कहे दूसरा व्यक्ति तो अन्यथा लगे, अच्छा ना लगे सुनने में, कष्ट हो, उसे प्रतिकूल कहते हैं। तो आत्मनः प्रतिकूलानि, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, ऐसी चीज को परेशाम न समाचरेत, दूसरे के प्रति कभी वर्ताव ना करें, दूसरे के प्रति वह व्यवहार हम ना करें जो व्यवहार हमारे साथ होने के बाद हमें अच्छा नहीं लगता। ये विदुर नीति में आचार्य विदुर धर्म का सार कह रहे हैं।
अगर हम सभी इसका अपने जीवन में पालन करना शुरू कर दें तो शायद झगड़ा लड़ाई तो बंद ही हो जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी को अनाप शनाप कुछ कहते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं जो कष्टकारी होते हैं, तभी झगड़ा होता है, नहीं तो हो नहीं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए इस आचार्य विदुर के नीति के श्लोकों को। हम अगला श्लोक देखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जन्तवः, प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सर्वे अर्थात सभी, जन्तवः जंतु, यहाँ पे प्राणी अर्थ है, सभी प्राणी सभी जंतु, प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति अर्थात प्रिय वाक्य के प्रदान करने से तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता, वचन में क्या दरिद्रता करना चाहिए, क्यों? क्योंकि वचन में तो कुछ खर्च नहीं हो रहा है, जो हम सामान्य बातचीत करते हैं या आवेश में बातचीत करते हैं उस बात को नॉर्मल तरीके से भी एक सामान्य ढंग से भी हम कर सकते हैं जी, बिना आवेश के, बिना क्रोध के। तो यदि सामान्य ढंग से बात करने से कार्य हो जाता है या प्रिय बोलने से कार्य हो जाता है, आप कई ऐसे वीडियोस देखेंगे या कई ऐसी कहानियां सुनेंगे जिसमें लोग पशुओं को भी अपने वश में करके रखते हैं, सिंह हैं, बाघ हैं, हिरण, हाथी, हाथी वो तो वैसे भी देख सकते हैं, लेकर के लोग चलते हैं, तो ऐसे हिंसक पशुओं को भी यदि हम प्रिय वाक्य प्रदान करते हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तो वो हमारे अनुकूल हो जाते हैं, हमारे प्रतिकूल नहीं रहते। तो जंतवः कहने का तात्पर्य यही है कि न केवल मनुष्य अपितु प्राणी मात्र, संसार का कोई भी प्राणी हो, केवल जो भी जीवनशील है, जिसमें जीवन है, ऐसे सब के सब प्रिय वाक्य प्रदान करने से, मधुरतापूर्वक बोलने से, अच्छे व्यवहार करने से तुष्यन्ति तोषम अनुभवन्ति, खुशी का अनुभव करते हैं, संतोष का अनुभव करते हैं और उसी के द्वारा उन्हें विश्वास होता है और जब विश्वास होता है उसके बाद वह अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए तस्मात् तदेव वक्तव्यम्, हमें वही बोलना चाहिए, वचन में दरिद्रता नहीं करना चाहिए। दरिद्रता का तात्पर्य है जो हमारे पास रहे उसके बावजूद हम उसे देना ना चाहें, उसे समाप्त खर्च ना करना चाहें और निरर्थक पड़ा रह जाए, लिप्सा अत्यधिक पड़ी रह जाए, उसे दरिद्रता कहते हैं। दरिद्रता का अर्थात गरीबी नहीं होता है, तो वचन में दरिद्रता नहीं करना चाहिए, ऐसा आचार्य चाणक्य कह रहे हैं। इस श्लोक में यही बात द्योतित होती है, चाणक्य आचार्य यह कहते हैं चाणक्य नीति में कि वचन में दरिद्रता नहीं करना चाहिए, हम सभी को प्रिय वाक्य प्रदान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम खुद भी वही सुनना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति दूसरे से अपने विषय में कटु शब्द सुनना नहीं चाहता, हर व्यक्ति प्रिय ही सुनना चाहता है, आत्म चाहे प्रशंसा हो, आत्मश्लाघा हो या अपने अच्छे कार्यों का विवरण हो, वह चाहता है। इसलिए हमें भी दूसरे के लिए भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगले श्लोक में हम देख रहे हैं, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति शस्यं खलु वारिवाहाः, परोपकाराय सताम विभूतयः। इसमें परोपकार की महिमा बताई गई है, कह रहे हैं जीवन में या प्रकृति में सब कुछ दूसरे के लिए है, जैसे नदियां बहती हैं, क्या अपने लिए बहती हैं? वृक्ष फलते हैं, क्या अपने लिए? वही कहते हैं पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, न अम्भः, अम्भः जलम्, स्वयमेव नद्यः स्वस्य जलम्, स्वस्य अम्भः न पिबन्ति, अपना जल नदियां स्वयं कभी नहीं पीती जी। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, जो वृक्ष हैं ये वृक्ष भी अपने फल कभी स्वयं नहीं खाते। कुछ लोग कह देते हैं अपने फल स्वयं को खाने के लिए, ऐसा नहीं है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष कभी अपना फल स्वयं नहीं भक्षण करते, वो दूसरे के लिए ही होते हैं। नादन्ति शस्यं खलु वारिवाहाः, वारिवाहाः का अर्थ है मेघ,
वारी वहंती तिवारी वाहा, वारी अर्थात जल, उसका वहन करने वाले, ढोने वाले, जल को ढो करके मेघ एक जगह से दूसरी जगह पूरे भारत, न केवल पूरे भारत संपूर्ण विश्व में पहुंचाते रहते हैं, इसलिए उनको वारी वाहा कहा गया है। तो वारी वाहा जब जल बरसते हैं, मेघों से वर्षा होती है, तो शस्य होता है धान चावल गेहूँ इस तरह से, तो वो घास स्वयं कभी नहीं खाते। कभी आपने देखा कि मेघ आकर के जमीन में उतर के घास चर रहे हों? होता नहीं है, लेकिन उस घास को उत्पन्न करने के हेतु होते हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद जैसे ही वर्षा शुरू होती है और सूखी धरती हरी भरी हो जाती है, वो मेघों के कारण, लेकिन वो अपने लिए नहीं, परोपकाराय सताम विभूतयः, जो सज्जन लोग होते हैं, जो सज्जन विभूतियां हैं संसार में विचरण कर रही हैं, चाहे स्थावर हो या जंगम हो, मनुष्य हो या प्राणी मात्र हो, वो सभी परोपकार के लिए हैं, परोपकार में लगे रहते हैं, दूसरे का भला कैसे हो, ऐसा चिंतन उनके मन में आता रहता है। अच्छा, पेड़ की बात हुई थी, हम फल की बात कर रहे थे, वृक्ष की बात कर रहे थे, आपने भी बताया कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो फल हैं वो वृक्ष हैं, वो फल स्वयं ही खा जाएगा। हाँ, हाँ। एक सर्वमान्य सत्य ये भी है, आप इस बात से सहमत होंगे कि जिस वृक्ष पे सबसे ज़्यादा फल लगे हैं, सबसे ज़्यादा पत्थर उसी वृक्ष पे पड़ते हैं। हाँ, तो फिर ये भी तो परोपकार है, उसको मालूम है कि मेरे ऊपर पत्थर पड़ने ही है, लेकिन जो मेरा गुण है वो मैं कहीं ना कहीं अपने आप में। धर्मेंद्र जी, इस बात पे मैं और एक दृष्टांत देना चाहूँगा। जी जरूर। जो धर्मशास्त्र हैं या संस्कृत जगत की परंपरा है, इस परंपरा में वृक्ष में से अगर फल भी तोड़ते हैं तो उस वृक्ष का सम्मान पूर्वक आप देखेंगे पूजन किया जाता है। निश्चित रूप से वृक्षों का पूजन होता है, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति उपासक हैं। पीपल के वृक्ष, हाँ, केवल पीपल ही नहीं, बहुत सारे वृक्षों की हम पूजा करते हैं और अलग अलग देवताओं के रूप में करते हैं। और जब आप अथर्ववेद को पढ़ेंगे उसमें ऐसा सिद्धांत आता है कि जब हम औषधियां लेने जाते हैं, वृक्ष की जड़ लेने जाते हैं, उसकी एक दिन पहले उसको आमंत्रित करते हैं, सूचित करते हैं, हम जिस प्रकार से एक मनुष्य के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार प्राणी मात्र के साथ हमें करना चाहिए। ये संस्कृत जगत हमें शिक्षा देता है, संस्कृत शास्त्र हमें ये शिक्षा देते हैं कि हम अगर पत्ते भी तोड़ते हैं तो उनसे क्षमा याचना करते हैं कि अगर हमारे द्वारा कष्ट हो रहा है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन अत्यंत आवश्यक है ये पत्र स्वीकार करना, इसलिए वो लिया जाता है। क्या बात है, काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई, वास्तव में जो सुक्ति का अर्थ है कि आपको उसको अपने जीवन में ज़रूर धारण करना चाहिए, केवल ये बातें सुनने मात्र की ही नहीं है। 5 मिनट का समय भी बाकी है, एक दो श्लोक और भी देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसी क्रम में हम अगला श्लोक देखते हैं। गुणेश्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोपी नेश्वरैः अगुणैः समः। ये मृक्ष कटिकम का श्लोक है, अभी हम पढ़ रहे थे। गुणेश्वेव ही कर्तव्य, सभी मनुष्यों के लिए कहा जाता है कि गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः, गुणों के लिए ही हमें प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात हमें अपने जीवन में अपने लिए अत्यधिक जो महत्वपूर्ण गुण हैं, जीवन के लिए उपयोगी हैं, जिसे समाज स्वीकार करता है, ऐसे गुणों का संग्रह अपने जीवन में हमें करते रहना चाहिए। सदा पुरुषै ही सदा प्रयत्न कर्तव्य, ठीक है। यहाँ पे पुरुषै ही यह उपलक्षण है, केवल ये नहीं कह दिया जाए कि केवल पुरुषों को करना चाहिए स्त्रियों को नहीं, ऐसा नहीं है, ये उपलक्षण है। जैसे किसी एक को कह दिया गया, कक्षा में कई लोग होते हैं, एक आगे को कह दिया जाता है, बाकी सभी लोग उससे उपलक्षित होते हैं, बोध सबका होता है। वैसे ही यहाँ पर श्लोक है, पंक्ति पूरा करने के लिए एक कोई ना कोई तो पद रखना पड़ेगा, इसलिए है। आगे कहते हैं, गुणयुक्तो दरिद्रोपी नेश्वरैः अगुणैः समः। गुणयुक्तः दरिद्रः अपि, जो गुण से युक्त दरिद्र व्यक्ति है, दरिद्र को एक दोष के रूप में देखा जाता है। दरिद्रता को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास 10 रुपए है और 10 रुपए से काम चल सकता है, उसके बावजूद हम 20 की अभिलाषा करके निरंतर प्रयत्नशील रहें और उसका उपयोग ना करें, ऐसी स्थिति को दरिद्रता के लिए परिभाषित किया गया है, कुछ जगहों पे शास्त्रों में देखा गया है। तो गुणयुक्तः दरिद्रः अपि, अगर कश्चित् दरिद्रः भवति,
सह यदि गुण युक्त अपि अस्ति, गुण से युक्त भी है तो भी ईश्वरैः अगुणैः समः न। ईश्वर का अर्थ यहाँ ईश्वर नहीं है, ईश्वर का अर्थ समर्थ भी होता है, प्रभु शक्तः समर्थः। तो शक्त अर्थ में यहाँ पे है कि जो समर्थ सामर्थ्यवान है, समर्थ व्यक्ति है, वह यदि अगुण है, गुण रहित है तो तथा न भवति, उसके समान नहीं होता है। ये दरिद्रता की थोड़ा हीनता बतलाई गई है, उसके समान नहीं होता है ये बतलाते हुए कह रहे हैं। ये मृक्ष कटिकम का श्लोक है, इसके आगे हम हमारे पास बाकी एक श्लोक और हम जल्दी से हाँ बिल्कुल 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 इसके आगे हम अगला श्लोक देख लेते हैं, क्योंकि पूरा तो हो नहीं पाएगा और जी। कुछ श्लोकों को ही आज करेंगे। 8 श्लोक इसमें हैं पाठ्यांश में। आरंभ गुरुवी क्षेणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना क्षायेव मैत्री खल सज्जनानाम। दुष्ट की खल अर्थात दुष्ट और सज्जन, इन दोनों की मैत्री कैसी होती है, मित्रता कैसी होती है, इस श्लोक में यही बताया गया। इससे हम परीक्षण कर सकते हैं कि हमारा दोस्त किस स्तर का है। ये एक हास्य है केवल। कहते हैं दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। सुबह देखें हम तो सुबह जो हमारी छाया है, सूर्य की जब किरण पड़ती है तो वह लंबी रहती है, और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है छाया छोटी होती जाती है, और दोपहर के बाद छाया छोटी रहती है और दिन जैसे जैसे ढलता है छाया बड़ी होती जाती है। ये चीज यहाँ पे यही कहा, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। दिन के पूर्वार्ध अर्थात सुबह का समय और परार्ध अर्थात शाम के समय में भिन्न स्थिति होती है, किसकी, छाया की। वैसे ही आरंभ गुरुवी, आरंभ में दीर्घ होती है, लंबी होती है, क्षेणी क्रमेण धीरे धीरे वह कम होती जाती है, उसका क्षय होता जाता है अर्थात छोटी होती जाती है। लघ्वी पुरा अर्थात पहले लघु थी, जैसे सुबह में छाया कम रहती है धीरे धीरे बढ़ती है, वृद्धिमति पश्चात और दोपहर के बाद वो बढ़ना शुरू कर देती है। ऐसे ही खल सज्जनानाम, जो खल लोग हैं उनकी पहले लंबी मैत्री होती है, शुरू शुरू में बहुत गहराई मित्रता की दिखाएंगे और धीरे धीरे वो अपनी मित्रता कम करते जाते हैं, जैसे उनके स्वार्थ की अपेक्षा कम हो जाएगी वैसे वो अपनी मित्रता भी कम कर देंगे। लेकिन जो सज्जना नाम मैत्री भवती, जो सज्जन लोगों की मित्रता होती है, वो सज्जन लोगों की मित्रता वृद्धिमति पश्चात धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आप उनसे जब पहली बार मिलेंगे तो आपके साथ उनका इंटरेक्शन होगा और धीरे धीरे आप जैसे उनके बारे में जानेंगे उनके प्रति आपका प्रेम आपका लगाव बढ़ता जाएगा, ये सज्जन की और दुर्जन की मैत्री में अंतर बताया गया है। चलिए क्या कमाल की यात्रा रही, मन तो कर रहा है कि और भी दो चार श्लोक हम इसमें देखें लेकिन समय हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन जो भी हमने श्लोक देखे, आप मृच्छकटिकम से लेकर आए, नीति शतकम से लेकर आए, विदुर नीति भी देखी हमने, चाणक्य नीति भी देखी, तो जी जी जी। इन सब चीज़ों को जो भी हमारे महाग्रंथों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, टीकाओं में लिखी हुई हैं, तो ये जो सूक्तियाँ हैं वो वास्तव में हमारे चरित्र को कहीं ना कहीं दर्शाती हैं, इनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। हालांकि 21वीं सदी है लेकिन कहते हैं कि जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है वहाँ से लेके अब तक उसको कैरी फॉरवर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल जान तो अवश्य पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये सार्वभौमिक है, ये समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है, एग्जैक्टली समकालिक नहीं है, ये सार्वभौमिक है, हमको ले लेने चाहिए और कहीं ना कहीं उसको आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपकी यश कीर्ति ही आगे बढ़ेगी, ना कि पीछे की तरफ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी, आपने अपना अमूल्य समय हमारे बच्चों के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी दर्शक के इस प्रोग्राम को देख रहे थे, जाने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगला जो सेशन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है साइंस का और एक कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए, जहां पर आप जानेंगे समझेंगे व्हाई डू फेल फॉल इल, बीमार हम अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चूँकि चौथा पार्ट है, 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, इसके बारे में खास बातें, महत्वपूर्ण बातें छोटे से एक अंतराल के बाद। अपना खास ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और देखते रहें NCERT ऑफिशियल प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल। फिलहाल हमें दे इजाज़त, नमस्कार।